अस्सलाम वालेकुम सर। हमारे मुल्क के बहुत बड़े मजहबी स्कॉलर और उनके फर्जंद हमारे साथ मौजूद हैं, शरीके गुफ्तगू हैं। आज की ये महफिल, दीनी महफिल, मजहबी स्कॉलर के साथ खालिद अरमानी ने भी आज शिरकत की, माशाल्लाह ये मेरे लिए किसी भी एजाज से कम नहीं। मैं अपने सवाल की इब्तदा करूंगा हल्का पीपीपी से। आपने क्या कहा कि जब तक हल्का पीपीपी का उम्मीदवार कामयाब उस वक्त तक नहीं होगा जब तक मजहबी रहनुमा उसकी हिमायत का ऐलान नहीं करेंगे, नंबर एक। नंबर दो, बहुत सियासी जमातें भी हमारे हल्का पीपीपी में हैं, NA 57 में भी हैं। आपने पीटीआई की हिमायत का ऐलान किया नियत माजरत के साथ सर। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि अलका PP20 की जो बात मैंने की है वो अल्लाह के फजल करम से इस यकीन से की है कि यहाँ हमारे अलका PP20 में जो है तकरीबन मेरा ख्याल है पाकिस्तान में एक छोटा हल्का है ये MPA का, और जो वार्डें हैं इसमें 10, अल्लाह के फजल करम से हर वार्ड में हमारी 2 से 3 मस्जिद हैं जिसमें हमारे खुतबा है और हमारे फाजलीन और हमारे उलमा हैं। तो इंशाल्लाह ताला एक उन्होंने भी अपना वर्क किया हुआ है और उन्होंने भी अपना लोगों के साथ मोहब्बत और प्यार और बिलखसूस मेरे वालिद ग्रामी की अकीदत और मोहब्बत इस इलाके में बहुत ज़्यादा है जिससे लोग मुझसे भी मोहब्बत करते हैं। तो मैंने इस उम्मीद पर यह बात की है कि अल्लाह के फजल करम से हल्का PP20 के अंदर, और तो हम दावा करें ना करें, इंशाअल्लाह ताला उलमा मिलकर जिसके लिए हम काम करेंगे वो अल्लाह उसे फतह याबी अता करेगा, इंशाअल्लाह। ये इसलिए बात मैंने की, नंबर एक। नंबर दो ये बात है कि हमारा जो ताल्लुक है हाजी गुलाम सरवर खान साहब मदरसुल आली से, और फिर मेरा ताल्लुक मंसूर याद खान साहब से बना है, बड़ी मोहब्बत वाला, प्यार वाला। तो अब ये ताल्लुक हमारा चल रहा है, उस भी आप पे जो है हमने एक होते हुए ये ऐलान किया कि हम जब भी इलेक्शन की तरफ सियासत में जाएंगे तो हमने खान साहब की तरफ जाना है, इसलिए हम जो है खान साहब की तरफ आए। बाकी और हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है, पार्टी बेस पर बात है भी नहीं, लेकिन खान साहब की मोहब्बत और ताल्लुक जो है वो हमारे साथ में। मौलाना साहब, आपका ताल्लुक दीनी जमात से भी है, मजहबी स्कॉलर भी हैं, मजहबी घराने से आपका ताल्लुक है, सियासत से भी आपका थोड़ा बहुत ताल्लुक है, वापस की रही है। आप क्या समझते हैं PTI के दौरे इकतदार में और PMLN के दौरे इकतदार में क्या फर्क है, आवाम के लिए इन्होंने क्या किया अभी तक? तो जनाब मैं ये बताऊँ कि बज़ाहिर जो इस हुकूमत का काम है वो तो इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है कि अवामुन्नास, मैं ये बताता चलूँ कि बिल्कुल हालात नासाज़ हो गए हैं। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि आप यकीन जाने के गरीब के लिए जीना दोबार हो गया, मुश्किल हो गया। हम अपने इदारे की, अपने जामे रिजवान वर्लों की बात करें तो ये मामनीन का सिलसिला होता है जिस पर इदारे चलते हैं, तो अब मामनीन का अपना ही घर ना चले तो फिर इदारा क्या चलेगा। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि आज आटा पूरा करना, दाल, आम चीज़ें जो खाने पीने की अशियाँ हैं वो पूरी करना मुश्किल हो गई हैं। तो हम ये कहेंगे कि इस अंदाज में जो है होश के नाखन हुक्मरानों को लेने चाहिए। आप अपनी अय्याशियों को कम करने की बात नहीं कर रहे, बिलखसूस मैं माजरत के साथ ये कहूँगा कि हमारे हुक्मरान हों चाहे हमारे जनाब ब्यूरोक्रेट्स हों, इनकी अय्याशियाँ उसी तरह हैं और जारी रहेंगी। ये नहीं सोचते कि हमने 1300 CC गाड़ी में आके तो कोई तूफान नहीं आ जाना, और हम जनाब अली 3-4 लाख का डेली पेट्रोल लोकल चीज़ों पे लगाते रहेंगे तो क्या हमारी तरक्की होगी। खुदा रहा आप अपनी अय्याशियाँ काम करें और इस कौम के बारे में सोचें, अवाम के मुतल्लिक सोचें, नहीं तो वो वक्त दूर नहीं है जब आप मोहल्ले में जाएंगे तो आपको घुसने भी नहीं देगा। एक तरफ सर अवाम का जीना महाल हो गया, बेरोजगारी, लाकानूनियत और गुरबत, और दूसरी तरफ से हुकूमत वक्त की जानिब से जो इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं PTI के रहनुमाओं के खिलाफ, और दूसरी तरफ कल मैं न्यूज़ में सुन रहा था कि इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए प्लान बन चुका है, इस हवाले से आप क्या बोलेंगे? अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया जाता है तो मुल्क में जो हालात बिगड़ेंगे इसका जिम्मेदार क्या होगा? ये तो मुल्क को खाना जगह की तरफ ले जा रहे हैं सर, क्या बोलेंगे सर?
इसमें ये बात मैं करूंगा कि जनाब ये तो हुक्मरान जितने भी हैं कोई, तो ये अपने ऐसी कार्रवाइयाँ जो हैं एक दूसरे के खिलाफ की जाती हैं, बहरहाल ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, किसी के खिलाफ भी नहीं होनी चाहिए, और इंतकामी तो कार्रवाई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हर बंदा जो अगर हुक्मरान बन जाए और उसे अल्लाह इज्जत दे दे, चाहिए कि वो अवाम के लिए काम करे, वो मुल्क के लिए काम करे, वो तरक्की के लिए काम करे, वो अपने बदले पूरे ना करे, वो बैठकर अपने बदलों के मुतल्लक ना सोचे कि मैंने बदला कैसे लेना है। तो अल्लाह इनको होश के नाखून दे और ये मुल्क की तरक्की के लिए सोचें, ये आवाम की तरक्की के लिए सोचें जो ये सोच नहीं रहे। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे, अगर मैं बात फिर करूँ अलका पीपीपीस की, तो आप क्या समझते हैं कि अलका पीपीपीस में पीएमएलएन मजबूत है या पीटीआई मजबूत है? मैं आपको ये बात पहले बता चुका हूँ, ना पीएमएलएन ना पीटीआई के मुतालिक मैं बात करूँगा, मैं अपनी आपको बात ये बता चुका हूँ, इंशाल्लाह पीपीपीस में वही मजबूत होगा जिसकी हम उम्मीद करें। और दूसरी बात ये मैं आपको बताता चलूँ जो मैंने वहाँ भी की और यहाँ भी कर रहा हूँ, कि अलका पीपीपीस में मंसूर याद खान साहब तो मौजूद हैं, गुलाम सरवर खान साहब जिस कैंडिडेट की हमायत करेंगे, जिस कैंडिडेट को खड़ा करेंगे, हम भी उसी की हमायत करेंगे। जी नाज़रीन, इन्हीं के साथ हमारे साथ मौजूद हैं हल्का 57 जमती हैं इंतखाबात के उम्मीदवार साबिका MNA सवारी 63 साबिका MNA मंसूर याद साहब हमारे साथ खड़े हैं। सर मजहबी स्कॉलर ने आपकी हमायत का ऐलान कर दिया, ये बेसित साफ़ी में ये समझता हूँ सर, ये आपकी बहुत बड़ी कामयाबी है, इस हवाले से सर क्या बोलेंगे? देखिए बहुत शुक्रिया, आज हम यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, पीर साहब की मोहब्बत है कि यहाँ पर आए, इन्होंने प्यार और मोहब्बत का इजहार भी किया, इन्होंने सपोर्ट का इजहार भी किया और ओपनली किया। ये मैं समझता हूँ एक हमारा पुराना ताल्लुक़ है जो बड़े पीर साहब के साथ मेरे वालिद साहब का था, कोई 30-35-40 साल का ताल्लुक़, तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत खुशाइन बात है और बड़ी अच्छी चीज़ है कि इस इलाके के लिए भी कि एक इस फोरम पे आज हम यहाँ पे जामे में मौजूद हैं, और ख़ास करके पीर साहब ने जो आज ये बात की है, जो ऐलान किया है कि जो भी कैंडिडेट होगा उसके साथ, मैं समझता हूँ कैंडिडेट जो भी हो उस पर हम बात नहीं करते, लेकिन एक नज़रिया है जो उन्होंने बात की, एक नज़रिए के तहत बात की, और वो नज़रिया क्या है कि इस मजहबी घराने यहाँ पे मौजूद होने के नाते एक अच्छा ताल्लुक, जो तवील एक ताल्लुक है 30-35 साल का ताल्लुक, और ख़ास करके ये ताल्लुक हमारा सिर्फ 30-35 साल का नहीं है, इसके पीछे एक नस्बत भी है, तो ये जो ताल्लुक है ये सिर्फ सियासी ताल्लुक नहीं है, ये मजहबी ताल्लुक ज़रूर है, लेकिन इससे बढ़ कर एक ख़ानदानी ताल्लुक भी मैं समझता हूँ कि वो भी है, तो ये इनका इनकी शफकत है कि इन्होंने ये अपना शफकत का हाथ भी रखा छोटे भाई के ऊपर, और इनकी ये खलूस है कि इन्होंने अगर ये बात की है इस इलाके की बेहतरी के लिए बात की है। सर मेरा आखिरी सवाल, वैसे थे सियासतदान आप क्या समझते हैं हमारी मुल्क की सियासत और मुल्क की सियासी मामला किस तरफ जा रहे हैं, क्या खाना जंगी की तरफ जा रहे हैं? देखिए अरमानी साहब, मुल्क के हालात तो पिछले 35 साल जिन्होंने किया हमारे मुल्क के साथ, मईशत के आप हालात देखें, हमारा मुल्क आज तक कर्जों पर चल रहा है और हमारा मुल्क सिसक रहा है, हमारे मुल्क की इकॉनमी सिसक रही है कि खुदारा ये कब तक चलता रहेगा। देखें मुज़ाकरात कर रहे हैं IMF के साथ, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन पर लेकर आ रहे हैं उन पाकिस्तानी अवाम को जो खून पसीने की कमाई के साथ अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं, टैक्स उनसे वसूल कर रहे हैं, याशियाँ बारियाँ कर रहे हैं, टैक्स से पाकिस्तानी अवाम से वसूल कर रहे हैं, बाहर जो इंटरेस्ट के साथ उनको पैसे दे रहे हैं वो पाकिस्तानी अवाम का पैसा, ये एक नाइंसाफ़ी है। और अगर हम लोग भी निकले हैं सड़कों पर पिछले 4-5-6 माह में, हमारा भी एक ही मुतालबा था, साफ़ और शफाफ इलेक्शन। देखें जब तक ये पार्लिमानी निज़ाम में साफ शफाफ इलेक्शन नहीं होंगे तब तक स्टेबिलिटी नहीं आती, जब तक मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो माशी तौर पे हमारा मुल्क कभी स्टेबल नहीं हो सकता। हमारी जंग मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं है, हमारी जंग उन लोगों के ख़िलाफ़ है जिन्होंने इस मुल्क का सत्यानाश किया है, इस मुल्क की जमहूरियत का सत्यानाश किया है, हमारे मुल्क के आइन की धज्जियाँ उड़ाई हैं, हमारी मईशत की धज्जियाँ उड़ाई हैं, आज गरीब आदमी खुदकशी करने पर मजबूर हो गया है, खुदकुशी करने पे मजबूर हो गया। और सबसे बड़ी बात और अफसोस की बात कि इमरान खान साहब ने एक हेल्थ कार्ड इंश्योरेंस 10 लाख सालाना हमारे उन लोगों के लिए जिनके पास नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नादरा का, वो भी इन्होंने बंद कर दिया।
फिर एहसास कफालत प्रोग्राम, जो प्रोग्राम हम माशरे की वेलफेयर के लिए करते हैं उन्होंने वो प्रोजेक्ट बंद कर दिए हैं। तो ये अफसोस की बात है, खुद तो इनकी असासे बढ़ रहे हैं, गरीब आदमी का जीना उन्होंने महाल कर दिया है, जीना हराम कर दिया है, और लोग खुदकुशी पे मजबूर हैं। इसलिए हम लोग बाहर निकल रहे हैं और इलेक्शन का मुतालबा भी करते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूँ, जो उन्होंने ज्यादती की है इस मुल्क के साथ, अल्लाह ताला उनको कभी माफ़ नहीं करेगा, इस कौम के बच्चे इनको माफ़ नहीं करेंगे इंशाल्लाह ताला। और ये इस दुनिया में भी जलील ख्वार होंगे और उस दुनिया के बाद जलील ख्वार होंगे। हाजी गुलाम सरवर खान साहब का वफाकी वजीर की मैं बेहसीत साफ़ी सर अगर मैं ये समझूं कि आज उनकी एक शानदार कामयाबी बल्कि बहुत बड़ी कामयाबी है, मजहबी स्कॉलर मस्जिद रहनुमाओं ने सरवर खान के काफले की हिमायत का ऐलान कर दिया है, क्या बोलेंगे सर आप? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सबसे पहले तो मैं सबजादा साहब का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने बुलाया, बहुत अच्छा खाना भी खिलाया, दुआ भी की और हमारी हमायत का ऐलान भी किया। तो इसके लिए वफादार लोग हैं, इंशाल्लाह ज़िंदगी भर याद रखेंगे और ये साथ भी निभाएंगे इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी भर। तो खान साहब हमेशा उन्होंने हमें वफादारी का सबक दिया है, इंशाल्लाह ताला वो और ये और हम इंशाल्लाह ताला एक जान होकर इस हलके की तामीर और तरक्की के लिए काम करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच सर, आप सबका शुक्रिया।